एनालिसिस है वो किन सवालों का करना है, आप ही बताओ कौन से सवालों का करना चाहिए, जो गलत होते हैं या जो अटेम्प्ट नहीं होते। बहुत हल्के में ले लिया है भाई अपन। मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन का करना चाहिए जो हमने तुक्के से सही कर लिए है, तो उनका भी एनालिसिस होना चाहिए। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है उसके क्वेश्चन 30 ही सही हुए या 25 सही हुए, तो उसको एनालाइज बहुत सारे करने पड़ेंगे, यानी उसका एनालिसिस उतना ही ग्रैंड होगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी के सवाल ऑलरेडी 50-60 सही होते हैं तो उसका एनालिसिस छोटा होगा। दोनों ही वे में, लेकिन समय के साथ वो एनालिसिस क्या होगा, कंप्रेस होता जाएगा, क्योंकि शुरू में पहले 3 टेस्ट में मैं बता रहा हूँ आपको बड़ा टाइम लगेगा, और फर्स्ट एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट में सडनली इंप्रूवमेंट नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बात करते हैं कि सर मैंने टेस्ट एनालाइज किया बट मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। अरे ठुल्लू एकदम नहीं होगा, क्योंकि पहली बार जो मिस्टेक किया हो सकता है अगली बार किसी और तरह की किया, तीसरी बार किसी और तरह की किया, पर चौथे टेस्ट में मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने जो एनालाइज सही से किया आपके मार्क्स इंप्रूव होके रहेंगे।